नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 11 नवंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। तारीख के हिसाब से थोड़ा महत्वपूर्ण दिन है नवंबर, 11 महीना और 11 तारीख दोनों का दो दो मूलांक आता है और दो बार दो आया है इस साल में। थोड़ा सा ये अलग और पॉजिटिव परिणाम देने वाला, खासकर जो कला के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए अच्छा होगा। ग्रह स्थिति में राहु वृषभ राशि में है, सिंह राशि में चंद्रमा अभी भी विराजमान है, कन्या राशि में शुक्र है, तुला राशि में सूर्य और बुध है, वृश्चिक राशि में केतु है, धनु राशि में बृहस्पति है, मकर राशि में शनि है और मीन राशि में मंगल वक्री होकर के चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी क्योंकि शुक्र और सूर्य नीच के हैं और मंगल वक्री है, ये स्थिति ठीक नहीं है। थोड़ा सा संभाल के रखा है बृहस्पति और शनि ने स्वगृही होकर के। राशिफल के माध्यम से समझते हैं। मेष राशि, मिला जुला परिणाम रहेगा, एक तरफ बहुत हिम्मत से काम लेंगे, दूसरी तरफ थोड़ा इमोशनल भी बने रहेंगे, प्रेम में एक दूसरे को संभालेंगे और चिड़चिड़े भी बने रहेंगे, तो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, प्रेम पे ध्यान दीजिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, पीली वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, बाकी प्रेम व्यापार सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी, और गृह कलह से बचे, आपस में कलह का भी सृष्टि का सृजन हो रहा है, इससे आपको बचना चाहिए, हरी वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार है लेकिन बच्चों के सेहत पर ध्यान दीजिए, प्रेम में मत उलझिए, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण समय है, कुछ अच्छा होने वाला है, सूर्य को जल दें। कर्क राशि की स्थिति सुधार की तरफ है लेकिन अभी आपको इमोशन पे काबू रखना चाहिए, एग्रेशन पे काबू रखना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, प्रेम में मत उलझिए, बाकी आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा मध्यम समय है, स्वास्थ्य पहले से बेहतर चलने लगा है, लाल वस्तु पास रखें, बजरंगबली को प्रणाम करें। सिंह राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, धन का आवक बना हुआ है, प्रेम की स्थिति भी आपकी पहले से बेहतर दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, थोड़ा मन परेशान रहेगा, चिंतित बने रहेंगे लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा, मिला जुला फल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं। ताम्र पात्र, तांबे की कोई भी बनी वस्तु किसी को दान करें। तुला राशि, योजनाएं फलीभूत होंगी, आर्थिक क्रिया करेंगे, संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और व्यापार सही चल रहा है, पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समय हो जाएगा, रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा, बस स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, बाकी प्रेम व्यापार सब आपका अच्छा चल रहा है, लाल वस्तु पास रखिए और बजरंगबली को प्रणाम करते रहे। धनु राशि, शाम से थोड़ा सा बेहतर समय आने लगेगा, जो परिस्थितियां प्रतिकूल थी थोड़ा अनुकूलता की तरफ जाएंगे आप, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, सूर्य को जल दें। मकर राशि, परिस्थितियां अनुकूल के तरफ जा रही हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाग्यवश कोई काम बनेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और व्यापार मध्यम यानी थोड़े डिस्टर्बिंग के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आप, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप ठीक चल रहे हैं, बाकी सब चीजें आपकी ठीक चल रही है, काली जी की आराधना करते हैं। कुंभ राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, थोड़ा परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, शाम से नियंत्रित होकर के काम करिए, स्वास्थ्य अच्छा है,
लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। व्यापार ठीक है, प्रेम भी ठीक चलेगा। गणेश जी की वंदना करते रहे। मीन राशि की स्थिति, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, प्रेम में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही चल रहे हैं। हरी वस्तु का दान करें। नमस्कार।